नमस्ते दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल में आप फॉर्म कैसे भरेंगे चलिए जानते हैं। सहारा रिफंड फॉर्म भरने से पहले आप सभी को मैं दो बातें जरूर बताना चाहूंगा जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है, अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं ये आप चेक कर लें। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर कोई ऐसा नंबर लिंक है जो अभी बंद हो चुका है, तो आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाके अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। इसमें 1 से 7 दिन का समय लगता है और मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है। दूसरा, आपके बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं आपको जरूर कंफर्म कर लेना है। आपके बैंक में जाकर ये आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अभी फॉर्म भरने में लोगों को बहुत सारी समस्या आ रही है, जैसा कि सर्वर डाउन की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। सर्वर डाउन से बचने के लिए या फिर बहुत कम समय में फॉर्म भरने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। तो मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। सहारा इंडिया से जितने भी आपको फॉर्म मिले हैं और जितने भी उसके रिसिप्ट हैं, सबको आप एक साथ स्कैन करके रख लें। जितने भी रसीद और बॉन्ड हैं वो आपको स्कैन करने हैं। स्कैन करने के बाद इसकी जो साइज होनी चाहिए अपलोड करने के लिए वो होनी चाहिए 200 KB। तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जो कि ये वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आप अपने कोई भी PDF को, जितने भी बड़े साइज की PDF है उसको आप 200 KB के अंदर कंप्रेस करके अपने फोन में या फिर कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। गूगल में जाकर सहारा रिफंड पोर्टल को आप ओपन करेंगे। वहां पर ऑप्शन आएगा आपका जमाकर्ता पंजीयन या फिर डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन। आधार के अंतिम 4 अंक यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो आपको आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक को डालना है और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर जो है आपके पास उसे यहाँ पर आपको डालकर OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। पहला स्टेप आपका पूरा हो गया और आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आ जाता है आपका पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और गेट OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पर डालेंगे और तीसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। आप इस फॉर्म को इंग्लिश में ही भरें, जिससे क्या होगा जितने भी फॉर्म के डिटेल आपके पास है और वेबसाइट में जो डिटेल मांगा जा रहा है वो सभी आपके मैच करे और उसको आप आसानी से भर पाए। तीसरे स्टेप में सबसे पहले आपको सोसाइटी का चयन करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके रसीद में जो भी सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है उस सोसाइटी को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 सोसाइटी का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। इसके बाद आपको मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, रिसिप्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और अकाउंट ओपनिंग डेट और आपकी जो जमा राशि है डिपॉजिट अमाउंट वो आपको यहाँ पर सावधानीपूर्वक डालना है। हम यहाँ पे एक रिसिप्ट का उपयोग करते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे राइट साइड में लिखा हुआ मेंबरशिप नंबर। अगर आप इस फॉर्म को इंग्लिश में भरेंगे तो आपको भरने में बहुत ही ज्यादा सावधानी होगी। तो आप देख सकते हैं मेंबरशिप नंबर लिखा हुआ है, तो उसको आप मेंबरशिप वाले स्थान पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर को आपको डालना है। जैसे देख सकते हैं नीचे की साइड में यहाँ पर अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। उसके बाद हमारा रिसिप्ट नंबर, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसिप्ट नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट नंबर है, तो हमारे पास यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी दिया हुआ है, उसको भी हम सावधानीपूर्वक यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग डेट, तो यहाँ पर 2 डेट दिया हुआ रहता है, एक अकाउंट ओपनिंग डेट दिया हुआ रहता है और एक मैच्योरिटी डेट दिया हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो पहले का डेट है वो अकाउंट ओपनिंग डेट है, तो उस डेट को यहाँ पर आप इंटर कर लेंगे। और उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1,60,000 का डिपॉजिट अमाउंट है, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें जितना भी राशि होगी उसको यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। सहारा की तरफ से जितने भी रसीद मिले हुए हैं सब में आपको मेंबरशिप नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, रिसिप्ट नंबर, डिपॉजिट डेट और डिपॉजिट अमाउंट आपको सभी रसीद में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को अकाउंट नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो अकाउंट नंबर में बता दूं जो फोलियो नंबर है आपका रिसिप्ट में, छोटी वाली जो रिसिप्ट है वहां पर आपको फोलियो नंबर लिखा होगा वो आपका अकाउंट नंबर है, उसको आपको अकाउंट नंबर की जगह पे डालना है। पूरा डिटेल सही से ही भरने के बाद आपको यहाँ पर फाइल को अपलोड करना है अपना। तो जितने भी रसीद है आपके पास सबको आप स्कैन करके उसको 200 KB के अंदर छोटा कर ले, जो कि मैंने वेबसाइट आपको बताया हुआ है। ये वेबसाइट है, इसमें जाके आप छोटा कर सकते हैं, इसको 200 KB के अंदर बना सकते हैं। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके अपनी PDF फाइल को आप छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आपको एड क्लेम में क्लिक करना है और आपका रसीद यहाँ पर आप सेव हो जाएगा और ये नीचे की तरफ दिखाने लगेगा। उसी तरह से अगर आपके पास 2, 3, 4, 5 या फिर उससे अधिक रसीद है या फिर सिंगल रसीद है, तो आपको 1 by 1 यहाँ पर ऐड करते जाना है और एड क्लेम में क्लिक करते जाना है और ये नीचे लाइन से यहाँ पर आपको सीरियल वाइज आपको ये डिटेल दिखा देगा। उसमें आप फिर से दोबारा रिविजन कर लेंगे, आपका मेंबरशिप, अकाउंट नंबर, रिसिप्ट नंबर सभी को आप डिटेल देख लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करते ही आप 4th स्टेप में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म। यहां पर आपको उसमें क्लिक करना है और आपको एक 2 पेज या 3 पेज का फॉर्म, आपके जितने भी एंट्रीज है उसके हिसाब से यहां पर 2 से 3 पेज का यहां पर फॉर्म या फिर उससे अधिक का फॉर्म यहां पर जनरेट होगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। और प्रिंट करने के बाद यहां पर आप फोटो लगा देंगे और यहां पर
पर क्रॉस सिग्नेचर कर लेंगे और उसके बाद सेकंड जो पेज है या फिर जो लास्ट पेज है वहां पर आप देखेंगे वहां पर भी नीचे में एक सिग्नेचर का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर प्लेस का ऑप्शन दिया हुआ है और एक मोबाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो प्लेस का ऑप्शन है वहां पर आप अपना जो लोकल एड्रेस है या फिर जो लोकल आपका तहसील है या फिर डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपका जो सिटी का नेम है वहां पर लिख देंगे और नीचे में जो है मोबाइल नंबर जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर उसको यहाँ पर आप डाल देंगे। तो अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड भी अपलोड करना होगा और पैन नंबर दर्ज करना होगा। सभी डिटेल्स को अच्छे से वेरीफाई करने के बाद आप बहुत अच्छे क्वालिटी में स्कैन कर लेंगे। यहाँ पर साइज की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर आप 1 से 1.5 MB का फाइल अपलोड कर सकते हैं आसानी से और इस फॉर्म को आप अपलोड करेंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आपको एक थैंक यू वाला मैसेज आएगा और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और आपको एक SMS भी आपको प्राप्त होगा। तो इस SMS में और इस एक्नॉलेजमेंट को आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर नोट डाउन करके रख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 45 डेज में आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है सहारा सोसाइटी की तरफ से हो जाएगा और अप्रूवल के बाद आपका जो क्लेम अमाउंट है जितना भी गवर्नमेंट अपने तरफ से अमाउंट जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है जिस हिसाब से देने का उस हिसाब से डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सहारा रिफंड पोर्टल का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका जो मैंने बताया वो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए और आपको कोई भी दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा। धन्यवाद।